संतकी संगत टीवी देखने वाले सारे दर्शकों नूं मेरे वालों जनी गौरव गर्ग शेरपुर वालों प्यार भरी नमस्कार। आओ अज तुहानूं दर्शन करवाउणे आ बहुत ही पवित्र अस्थान तप अस्थान संत अतर सिंह जी महाराज घुणसा वाले पिंड घुणस जिला बरनाला जिथे मालवे के दरवेश संत अतर सिंह जी घुणसा वालियां दी 97वीं सालाना बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। अस्थान के मुख सेवादार संत बाबा बलवीर सिंह जी घुणस मैंबर SGPC सबका मुख संसदीय सकत्र पंजाब सरकार की देखरेख हेठ समूह संगत के सहयोग नाल करवाए गए समागमों मौके आरंभ किए पाठों के भोग पाए गए। इस मौके बड़ी गिनती विच संगतां पुजियां अते अस्थान ते नतमस्तक हो के अपना जीवन सफला किया। समागमां मौके वख वख कीर्तनी ढाडी अते कविशरी जथियां ने लंबा समा संतां दी महिमा दा गुणगान किया। इस मौके संत बाबा हाकम सिंह जी गंडा सिंह वाला मुख बुलारे निर्मल संप्रदाय महंत जगतार सिंह जी नैनेवाल सैकटरी सरदार गुरप्रीत सिंह जी गंडा सिंह वाला USA जथेदार बलदेव सिंह चुंगा मैंबर SGPC सरदार परमजीत सिंह जी खालसा ए मैंबर SGPC सरदार सुरजीत सिंह जी ठीकरी वाला मैनेजर गुरद्वारा तपस्थान बीबी प्रधान कौर जी बरनाला बाबा लाल सिंह जी धूरकोट सरदार कलवंत सिंह जी कीतू सरदार रविंद्रजीत सिंह जी बिंदी सेंट बजरपुरी स्कूल पखोकला सरदार रुपिंदर सिंह संधु संत बाबा टेक सिंह जी धनौला बाबा बूटा सिंह जी गुड़सड़ी वाले जथेदार तेजा सिंह जी कमालपुर सरदार बूटा सिंह जी चौहान बीबी बलजीत कौर जी घुणस सरदार जसविंदर सिंह जी लद्दड़ सरदार स्वर्ण सिंह जी धौला अते मेजर सरदार गुलजार सिंह कालेके गुरद्वारा सोहिया साहब पिंड धौला जथेदार चमकौर सिंह ताजोके सरदार परमजीत सिंह पम्मा सबका सरपंच ताजोके समेत अनेक शख्सियतां पुजियां हुई सन। गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात गुण गावा विसर नहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात गुण गावा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया गाली होचिया गुण गावा दिन रात गुण गावा गुण गावा गुण गावा दिन रात गुण गावा विसर नहीं दाता अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक जाओ हो गुण गावा दिन रात
गावा गुण गावा। नाम निदान अपार भगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे, साधु संग नसे। गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा। मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया, सुख न पायन मूल नाम विछुनिया, नाम विछुनिया। गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा, गुण गावा दिन रात। चंडिया
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਤਾਜ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਤਾਜ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵ ਜਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਡੰਗੀਆਂ ਹਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵ ਜਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਡੰਗੀਆਂ ਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਣਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਣਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਸਰਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जिन्होंने पुस्तक लिखिया जिड़िया पुस्तक सानू जीवन याद सिखाउंदियां ने उन्होंने हर बार इस मंच के उत्तों सत्कार किया जाता जिन्हों का जो सारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज सरदार बूटा सिंह जी चौहान जेडे किसी जान पहचान के मुखाज नहीं उन्होंने जी देख रेख ने विशाल भिंदर सिंह जी बेदी बाबा जी साहब बाबा दलवीर सिंह जी धुंद साहब ये सारे इकट्ठे होकर आप सत्कार करते हैं बहुत ही प्यारियां महान शख्सियत बड़े लोग जथेदार साहबान पहला सवेर के हाजरियां लवा के चले गए हैं हुण भी मंच के उत्ते बैठे हुए हैं बाबा लाल सिंह जी धूलकुंड वाले महापुरश सरदार अमर सिंह जी बीए साहब सरदार तेजा सिंह जी कमालपुर
जिहड़े मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरदार गुरमेल सिंह जी चीनीवाल धौला साहब बैठे ने रजिंदर सिंह जी अगे अपने जगकौर सिंह जी ताजू साहब बैठे गुरजिंदर सिंह जी सिद्धू साहब वो भी बैठे हुए हैं भाना सिंह जी मौड़ डॉक्टर अमनजीत सिंह जी टलेवालिया लक्ष्मण सिंह जी मूह संगत जी मैं बहुत संगत ने थोड़े जसवीर सिंह सरपंच साहब हो रही बहुत ही संगत के जो नाम है जिन्हें तुम बैठे हो डॉक्टर बलवीर सिंह वर्गे सारे के मैं ना जानना मैं थोड़ा सारे जियो आया कहता हो बेनती करूँगा सर बूटा सिंह जी चौहान साहब कि वह अपनी गल पहला बाबा जी कह दो मिनट बाबा संत बाबा बलवीर सिंह जी चलो जी उन्होंने हुक्म है कि सर बूटा सिंह जी चौहान साहब वो जो अगला प्रोग्राम है जोड़ा आप इतने आए हुए जोड़े लिखारी ने उन्होंने जो कह प्रोग्राम वो बारे थोड़े न अपने विचार साझे करेंगे सरदार बूटा सिंह जी चौहान के जिस ट्रस्ट वालों अज नावलकार के कहानीकार बलजिंदर नसाले को सन्मानित किया जा रहा है ये 52वीं शख्सियत है जिन्होंने इतने सन्मानित किया जा रहा है 1991 के इस थान के संत अदर सिंह यादगारी घुमसर साहित्यक ट्रस्ट बनया सी जिसकी जिम्मेवारी इतों पंचायतों ने संत बलवीर सिंह जी को सौंपी सी सब तो पहला आपां अपने मालवे के कि विश्व के पंजाबी के वड्डे नामकार जसवंत सिंह कमल को पहली बार सम्मानित किया सी मगरों लड़ी चली ज्ञानी सोहन सिंह सीतल गुरदयाल सिंह राम सिंह पंखी संतोष सिंह धीर दीप कोटवाणा 52 नाम अज पूरे हो ते कोई भी साल ऐसा नहीं गया जदों ये सम्मान इतने ना होया होवे आही दिन होंदा शहरे का आही समा होंदा मैनू इतने सिर्फ 10 मिनट मिलते होंगे दसा के भी गल मैं आपकी 9 मिनट के खत्म कर देना मैं कदे पंज बनानी नहीं पाई जिनी गल चलती हो हमेशा पौनी चलानी चाहिए कदे भी धक्का नहीं करना चाहिए मैं ये गल मन के चलिया तो जी शब्द शक्ति है असी जो कुछ हाँ सारे तुम बैठो शब्द शक्ति करके मैं तुम एक होर भी दसना चाहना कि एक शब्द है जिन्हों आप अखर कहने आपने अद चलाती उत्ते उजे शब्द अखर आरा खखा रारा अखर अखर ता है खखा रारा होंगे खर जी चीज खरजे खत्म हो जाए आड़ा रोए लग गया अखर हो जाए जोड़ा शब्द है वह अखर है युगों के भी अपनी गल कहना हो आप जो शब्द शक्ति नहीं देना शब्द शक्ति ना होंगी मेरा ख्याल है शायद इन महाशिक्षित ना होंगे जो पसारा इतने नवी तरीक का वो भी शब्द शक्ति करके शब्द शक्ति दे सारा पसारा तरक्या सारा कुछ शब्द शक्ति के मूल समा शब्द शक्ति है तो जिन्हें आप शख्सियत सम्मान कर रहे हैं उन्हें सरदार बलजिंदर नसराणी इन्होंने धूरी कोल पिंड है ये पहला समाने के प्रोफेसर होंगे सी हूँ ये दिल्ली यूनीवर्सिटी बहुत बड़ी यूनीवर्सिटी है उसे प्रोफेसर बहुत साल तो लिख रहे हैं 35 साल तो 40 साल तो लगातार जिन्हें ये पंजाबी दे विच पढ़े जाते हैं उन्हें हिंदी दे विच पढ़े जाते अपने सब तो वड्डी हिंदी की जिहड़ी प्रकाशन है राज कमल दिल्ली राज कमल दे विच किसी किताब छपनी हुई बहुत बड़ी गल है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के रमन इन्हों जो तीन नावल लिखे इन्होंने हारे की अग हारे की अग वह नावल है जेडे दीप कौर टवाणा इस नावल के बड़े प्रशंसक से जिन्होंने आप इतने सम्मानित भी किया हमारा जीवन तुम देखा होना सीरियल चलता एम ए बड़ा वाला नाम से वो भी इन्होंने प्रशंसक से फिर दूसरा नाम 20वीं सदी की आत्मकथा आखिरी कथा तो फिर तीजा नाम जरा चर्चित है अमर भरिया जो कहानी संग्रह डाकखाना खास औरत की छंद में यह तो बिना भी ये लोगों के खेते जिन्हें बड़ा बड़ा नाम है इन्हों की मतलब अगवाई के जोड़े बच्चे PhD करके प्रोफेसर बनते हैं इन योग्यता रखते हैं बहुत गल्ला मैं ना करता शुक्रगुजार हाँ
जिन्हां ने मेरिया लिखिया किताबां की कदर मालवे के बिल्कुल गब्बे बैठे इस महान स्थान से जुड़ी संगत की हाजरी में कदर पाई है। मैं अपन किताबों के अपने लोगों के दुख दर्द लिखने का यतन किया। मैं किसानों के घर जमया, मेरे पिता जी किसान ने, छोटे किसान ने, इसलिए मैं पढ़ाया उन्होंने कि खेतीबाड़ी के पिछे कुछ नहीं बचता, पढ़ जा, पढ़ के कुछ बन जा। तो कहने होंगे जी ट्रैक्टर नहीं चला देना तेन, मैं कार चलाया करी, वो तो पढ़ जा, इतने कुछ नहीं है। तो पढ़ के मैं निकलिया, पर मैं अपने लोगों का जो जीवन है उन्होंने भुलिया नहीं है, उस औखे जीवन भुलिया नहीं है कि खेतीबाड़ी करना या पिंडा के लोग जो मजदूरी करते हैं उन्होंने जिंदगी कितनी औखी है। तो वो सारा कुछ मैं लिखा, तो होरना लिखारिया नालों मेरा थोड़ा वक्रा इस करके रहा कि मेरा हिंदी के भी छपया, मैं सिर्फ पंजाब के नहीं पढ़िया जाता, जिते जिते हिंदी भाषा बोली जाती है तकरीबन अद्धे भारत के उत्ते भी मेरिया कहानियां के नावल पढ़े जाते हैं। तो मैं जो भी मैं उत्थे जाता तो मैं कहते हैं वो भी तुहाडा पंजाब आ जिहड़ा असीं तुहाडियां किताबां दे राहीं देखदे आ। अंबर परियां जिहड़ी किताब नूं इह मान सत्कार बाबा जी ने इस महान स्थान ने दिता हैगा, वो पिछले साल ही हिंदी दे विच आ के पूरे भारत दे विच पढ़ी जा रही है, अगले साल वो अंग्रेजी दे विच भी आ रही है, तो अंग्रेजी विच जाऊगी तो पूरे विश्व दे विच पढ़ी जाएगी। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ बाबा जी का, इस धार्मिक स्थान का, तो सारी संगत का जिन्होंने मैं मान दिता। मेरे लिए कभी भी कोई सेवा हो, मैं पंजाबी विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के पढ़ाऊंगा, कोई भी बच्चा पढ़ने लिए मेरे को भेजोगे तो मैं अपने बच्चों वाले उन्होंने संभालूंगा। तो लिखने के नाल नाल मैं अलग अलग कालजा के सद्या भी थोड़े इलाके आता रहना। पिछले साल मैं तपे के नेड़े कॉलेज है जिहड़ा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का, उत्ते लैक्चर करके गया सी, बच्चों को किताबां पढ़ने की प्रेरणा देने लई आना हुंदा मैं ढिलवां कॉलेज के विच। कल भी पधौड़ जिहड़ा मीरी पीरी कॉलेज है उत्थे मैं लैक्चर दे गया हाँ, तो गहल पिंड दे विच जो कॉलेज बनिया होया माता साहिब कौर कॉलेज उत्थे भी लैक्चर दे गया, कल मैं दो कॉलेजां च लैक्चर दित्ता। कदे भी मेरे लिए कोई सेवा हो भी, मैं किसी काम आ सका जो मर्जी बाबा जी हुकम करेंगे तो मैं आ जा। बीबी ते सेवादार वालों तैयार किए गए गुरु के लंगर सारिया संगतां ने इकट्ठे बैठ के छकिया और सेवादारा ने बढ़ चढ़ के सेवा की। अखीर साढ़े रिपोर्टर गौरव गर्ग शेरपुर नाल गलबात करदे आ, जथेदार बलदेव सिंह जी चूंगा मैंबर SGPC अस्थान के मुख सेवादार संत बाबा बलबीर सिंह जी कोनस मैंबर SGPC सबका मुख संसदीय सकत्र पंजाब सरकार वालों अपने विचार सांझे किए गए और आई संगतां का अहम शख्सियतों का धन्यवाद भी किया गया। तप अस्थान संत अतर सिंह जी घुनसा वाले पिंड घुनस जिला बरनला तो गौरवगढ़ शेरपुर की एक खास रिपोर्ट। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सफेदी समा अपनी मेहर कर, सफेदी समा अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर।
अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मालवे का जिहड़ा है कह लिए विचकारला हिस्सा मालवे धुनी, इत्थे साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े चार महापुरश संत बाबा अतर सिंह जी होए ने, उन्हां विचों एक संत अतर सिंह दा ते बाबा ईसर सिंह साहब दा एक तप स्थान है। हर साल की तरह संत बाबा बलदेव सिंह जी कोनस जिहड़े सबका मंत्री रहे ने पंजाब सरकार दे, भी सबका विधायक मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हां दी देख रेख दे विच समुचा नगर पूरा जिहड़ा है कुनसा उन्हां दे इलाका निवासियां दे सहयोग दे नाल संत बाबा अतर सिंह जी, संत बाबा ईसर सिंह जी, उन्हां दी याद नूं ताज़ा किया जाता है, उन्हां दे कीते हुए परोपकारां नूं ताज़ा किया जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने जिथे वैसन साध जन सो थान सुहंदा, इस गल की प्रोढ़ता गुरु ग्रंथ साहिब करते हैं कि जिथे साधु तप करते हैं उत्थे जिथे जाए वे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, तो महापुरशों का किया हुआ तप अज जिहड़ा स्थान है इनू चार चन्न लगे हुए ने। इत्थों दे मुख सेवादार बाबा बलबीर सिंह कुन साहब नूं चार बार संगत ने विधायक बनाया, पार्लीमानी सैकटरी रहे, तो मौजूदा चन्नवाल हल्के तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर हैं। सो अज सारी संगत इलाका निवासी वड्डी गिणती दे विच, मैं गल कहां वी श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर जां लीडर साहिबान आउंदे ने उत्थे, नाल नाल आम लोग आम संगत बिना किसी पार्टी के भिन्न भाई भाव तो इतने पहुँचते हैं, तो इतों आके संत महाराज की जा जी याद के शामिल होकर एक इस स्थान तो खुशियां लेके जाते हैं। सो जिते मैं उन्होंने इसकी बधाई देना हाँ, महापुरशों की याद की बधाई देना, उत्थे मैं कौम में जरूर बेनती करदा कि इन्होंने जो पूरने पाए सन भी अमृत छकाना गुरु के लड़ लाना, अज कौम जी बहुत ज़्यादा कौम के पट उधाड़ हुई पी है, असी एक दूसरे को नीमा दिखाने के लिए हर रोज़ बोलते रहने, वो सतगुरु कृपा कर कि असी कौम एक मुठ होवे, ये महापुरशों के जेडे असी प्रोग्राम करते हैं उन्हां दी यादां मनाउने, उन्हां दा मतलब इक्को ही हुंदा कि कौम एक मुठ होवे, कौम दे विच अमृत दा प्रचार होवे, कौम चढ़दी कला दे विच रहे। सो इहदे वास्ते जिथे मैं संत बाबा बलबीर सिंह कुन साहब दा धन्नवाद करदा, उत्थे मेरे नाल खब्बे सज्जे बैठे ए बैठे साडे साबका सरपंच सरदार बलराज सिंह जी काका टल्लेवाल, ये भाई रुपिंदर सिंह जी टल्लेवाल जिहड़े भारतीय सियान दीआं एकता जिहड़े है कादियां दे साढ़े जनरल सैकटरी ने शहणा ब्लॉक के, गुरप्रीत सिंह जी इधर साढ़े नाल बैठे ने, सार भोला सिंह जी, निशान सिंह जी भोला गहना वाले सरपंच साहब ये भी बैठे ने, अमरजीत सिंह बैठा, काका सुखबीर सिंह सोखी जिहड़ा साढ़े यूथ अकाली दल का नुमाइंदा वो भी बैठा, डॉइकवाल सिंह जी बैठे ने, होर भी बेअंत संगतां बाहर आ जिहड़ियां वो अपनी अपनी हाजरी लवा के इत्थों जा रहियां ने। सो असीं सारे संतां दी याद दे विच इत्थे इकट्ठे होए हैं, तो सारे ही असं ये चाहते हैं कि कौम एक मुठ होवे, कौम की चढ़ती कला रहे, कौम के अमृत का संचार होवे, कौम सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लग के आप जपो अबरा नाम जपावो की धारनी होवे।
ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸੰਤ ਬਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਮੌਕੇ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਬਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤਲਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਤ ਬਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਨਗਰ ਘੁੰਮਸਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਐਤਕ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ। ਮੋਬਾਈਲ 94170 36301 ਅਤੇ 98141 36301।